नमस्कार, मैं हेल्थ इज़ वेल्थ से डॉक्टर शिखा गुप्ता। आज हम आपको ज्वारे के बारे में बताने वाले हैं, वीट ग्रास जूस के बारे में। तो थोड़ा प्रिमिटिव लेवल पे चलते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो लाइव किया था जिसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, और उसके बाद भी हम लगे रहेंगे वीट ग्रास जैसी औषधि को आप तक पहुँचाने के लिए। सो हमने इस तरीके से, आप यहाँ पर देखें कि हमने ये इस तरीके से 7 गमले लिए हैं। ये 7 गमलों में हमने इनको एक एक दिन करके बोया है, जिससे कि ये अब हमारे 8 दिन में 5 इंच 6 इंच लंबे हो गए हैं। सो आप इधर देख सकते हैं, ये हमारे ज़मीन में भी हमने इनको बोया है। अब ये एकदम रेडी टू हार्वेस्ट हैं, मतलब इस स्टेज पे इनको निकाल लेना चाहिए। सो हमने इनको बराबर से, ये आप देख सकते हैं एक गमले में इनको हमने बाहर बराबर से काट लिया है। अभी हमने जैसे कि देखा कि हमने 7 गमलों को रेडी किया, बराबर किस प्रपोर्शन में गोबर और खाद होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, ये सब के लिए आप हमारे और वीडियोस को देखें जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। ये इसको क्यों हम ग्रीन ब्लड कहते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए कितना उपयोगी है। सबसे ज़्यादा तो नई सेल्स का फॉर्मेशन करता है, रिजनोवेशन करता है, तो कैंसर पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, पर हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हमने उसको 8 दिन में रेडी जो था उसके ऊपर हमने जो ये ज्वारे निकले गेहूं से, इनको हमने काट लिया है और धो लिया है। अब इसको अगर हम वे करेंगे, इस तरह की आपको एक चाहिए वेइंग मशीन जिसमें आप इसको तौल सकें। सो इसको वेट करेंगे, हम इसको इनको रख देंगे, तो लगभग हम जब 100 ग्राम के आसपास लेंगे, ये 100 ग्राम से कुछ कम है, अभी हमने इसमें निकाला भी है, इसमें भी डाला है। और इस तरह की आपको मशीन चाहिए, आप इलेक्ट्रिक जूसर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैनुअल किसी भी ग्रास तरह की चीज़ों को, पत्तियों का रस निकालने के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है आप इलेक्ट्रिक ग्राइंडर या जूसर यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें हमने ये इस तरीके से, तीसरी बात आती है कि आपके पास मेज़रिंग कप होना चाहिए। तो अगर मेज़रिंग कप नहीं है तो आप इस तरीके का जो दवा की बॉटल पे ऊपर होता है, तो इसमें बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं, तो ये 15-20 ml है, इसको आपने मेज़र कर लिया, इस तरीके से इस मशीन से निकाल लिया, देन आपने ये 50 ml के आसपास है। ये जस्ट एक आपको दिखाने के लिए है कि ये 3 कप मैंने ले लिए है ना भर के, तो ये आपका तैयार है वीट ग्रास जूस पीने के लिए। और इतना आपको, इतने से शुरुआत करनी चाहिए और इसको खाली पेट लेना चाहिए। अगर जैसे जैसे प्रॉब्लम आपकी क्रॉनिक है, तो 50 ml से आप इसको बढ़ा करके 200 ml 250 ml तक ले सकते हैं, और इसके 1 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं पीना चाहिए। इसको सिप करके पीने में 10 से 15 मिनट लगाने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आप इसको बनाना शुरू करें, धीरे धीरे हमारे और वीडियोस आते जाएंगे, और इसके बारे में जो फेसबुक लाइव है मेरा, उस पर आप जाके देख सकते हैं, और हम एक और वीडियो बनाएंगे जहां पर इसमें क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है, इसको ग्रीन ब्लड क्यों कहते हैं, वीट ग्रास जूस के और क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो आपको अगर आपका हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, हमारा चैनल पसंद आता है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अच्छे प्रयास आपके लिए कर सकें। इसी तरह स्वस्थ रहें, धन्यवाद।